बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपनी मुंजी के लिए जो है वो पनीरी काश्त करेंगे। ये हमने बीज जो है वो दो दिन पहले भिगो के रखा हुआ है। इस तरह इसके ऊपर बोरी डाली में और पानी डालते जा रहे ताकि ये जर्मिनेट हो जाए। ये जर्मिनेट होने के बाद हम इसको जो है वो खेत में बिखेर देंगे। ये अभी आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में ये हो गया है। ये देखिए, ये इसकी जर्मिनेशन हो चुकी है सारे। ये देखें जी, जहाँ पे हमने जो है वो मुंजी की पनीरी लगानी है, जिसको हम लाभ भी कहते हैं, वहाँ पे हम जो है वो गोबर, जिस जो ऑर्गेनिक खाद कहलाता है जी, वो हम बखेर रहे हैं। ये देखें, ये सारा ये जानवरों का गोबर अब इकट्ठा हुआ हुआ है। इससे जो है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है जी। जहाँ पे हमने जो पनीरी थी वो काश करनी थी मुंजी की, वहाँ पे हम जो है वो ट्रैक्टर के साथ हल चला रहे हैं। ये देखें जी, एक दफ़ा हल चलाने के बाद ट्रैक्टर के साथ हमने पानी लगा दिया जहाँ पे हमने पनीरी काश्त करनी थी। अब ट्रैक्टर के साथ दोबारा इसको में हल चलाएंगे, जिसको हम कद्दू करना कहते हैं। हम कद्दू के तरीके से जो है वो मुंजी की पनीरी जो है वो काश्त करेंगे। ये देखिए, अभी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं भाई। ये देखें जी, ये चला रहे हैं अभी ट्रैक्टर के साथ। आ गए, देखो दो हो रहा ये बीज हम जो है वो खेत में लेके आ गए हैं। ये मुंजी की जो वैरायटी है 86 है, 86 जो है वो हम जो है इसकी पनीरी अभी काश्त कर रहे हैं। जो सुपर की होगी वो अभी ज़रा लेट होगी काश्त। अब इसके जो है वो छट्टा देते हैं फील्ड के अंदर। ये भाई छट्टा दे रहे हैं जी। जगह जो जिसमें हम पनीरी काश्त कर रहे हैं वो है 15 मरले, और टोटल जो बीज है वो है 20 केजी। ये हम जो है वो 4 एकड़ के लिए काश्त कर रहे हैं जी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।